अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देहरादून में देश भर से आए समलैंगिकों ने मार्च निकाला। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच नाचते हुए ट्रांसजेंडरों के मार्च को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दून में कई शहरों से आए ट्रांसजेंडर जुटे। ऐसे हाल पीएनबी के सामने उन्होंने मार्च निकालना शुरू किया। मार्च निकालने से पहले ट्रांसजेंडरों ने डांस शुरू कर दिया। बारिश के बीच ट्रांसजेंडर ढोल की थाप पर नाचते दिखे। एक दूसरे से मिलकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। चंडीगढ़ से आए ट्रांसजेंडर धनंजय मंगलामुखी ने फ्लैग ऑफ दिखाकर मार्च को रवाना किया। किसी तरह की विवाद की संभावना के चलते पुलिस भी मार्च के साथ साथ चलती रही। एसले हॉल से कनक चौक, विकास भवन चौक, संडे मार्केट, प्रेस क्लब होते हुए वापस एसले हॉल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारों को भी जोर शोर से उठाया। मार्च निकालने वाले समलैंगिकों के मुताबिक समलैंगिकता को धारा 377A के तहत गैरकानूनी करार दिया गया है। मार्च निकालकर वे धारा 377A का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इस धारा को खत्म कर उन्हें अपने तरीके से जीने का हक दिया जाए। इससे पहले देश के कई बड़े शहरों में वो इस तरह मार्च निकाल चुके हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।